हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस जैसा टाइम अभी आफ्टरनून का समय हो रहा है और 2 बज रहे हैं और आज आने वाले हैं दीदी और जीजू घर पे। दीदी आने वाली 4 दिन बाद, क्योंकि दीदी की शादी हो गई थी ना, तो उसके बाद आज पहली बार आने वाली, मतलब ऐसा ही पहली पहली बार हो जाएगा ना। तो अभी दीदी आने वाली और सब लोग सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है यार सब लोग। मतलब यार सब लोग को ऐसा लग रहा दीदी के रूम में जा रहे थे ना, तो दीदी की याद आ रही थी ना हम लोगों को, इसलिए अभी सब आने वाले हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और मम्मी कर रही है तैयारी खूब अच्छी तरीके से। नहीं, आज कौन आने वाला है बताओ? साक्षी आने वाली है और अंकित आने वाला। मम्मी आप एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। क्यों? कि आज मेरा दामाद मेरे घर आ रहा है। और क्यों? तो मैं बहुत खुश हूँ। तैयारी हो गई? हाँ, सब बना दिया। सब बना दिया। पापा जी तैयार हो गए, बताओ कौन आने वाला है? साक्षी। खुश हो? बिटिया खुश हो आप? इतने काले हो गए हो पहले से ज्यादा, क्यों मम्मी? है ना, काली काले हो गए ना। शारी का तो यही काम है, पूरा दिन किचन में लगना, क्यों बन ले है ना। मम्मी अपना काम करती नहीं है, मेरे ऊपर थोप देती हैं। तो काम नहीं करेगी क्या शादी बाद? काम नहीं करेगी? दीदी को भी करना पड़ रहा है ना आज। नहीं दीदी कुछ नहीं करती। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है। ये मेरा घर नहीं है, मैं उधर जाके करूंगी, इधर क्यों करूं। ओ हो हो हो, आ गए सब लोग वेट कर रहे हैं। आ गए जीजू, आ गए। दीदी एंड जीजू घर पे आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, चलो। दीदी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ये जीजू भी बैठे हैं, कुछ कहना चाहोगे? बस नानी जी के वचन सुनो। काफी ज्यादा आप लोगों ने बातें की अभी मिलके, और अभी भी कर ही रहे हैं सब लोग इतनी देर से। सो गाइस, दीदी एंड जीजू तो चले गए थे थोड़ी देर पहले ही, फिर मैं वर्कआउट करने आ गया। वर्कआउट करने तो आ गया, बट मैं पहले इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाता था और मैं अभी 2.5, मतलब आधी लगा पाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब रिग्रेट सा फील हो रहा है, क्योंकि पहले और अब में इतना अंतर हो गया है। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आया हूँ ना, इसलिए कोशिश करता हूँ फिर से वही अपना बनाने के लिए टारगेट बनाऊँगा वापस से अपना। देखते हैं कितने दिन में मैं फिर से 5 लगाने लगूं, 5 चक्कर वापस से लगाने पाऊँ। तो अब पुलअप्स लेके देखते हैं। पहले तो मैं 10 पुलअप्स ले लेता था, अब देखते हैं कितने ले पाता हूँ। दो ही ले पाया, स्टैमिना ख़राब हो गया पूरा। थोड़ा कम भी करूँगा यार मैं वर्कआउट, क्योंकि ना अपना वो बने ना रिदम, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ना मैं बढ़ाते जाऊँगा, तो आप लोगों को शो होता जाएगा। एंड मैं ना एक पूरा डाइट प्लान भी बनाऊँगा अपना, मतलब ऐसे 30 डेज़ का पूरा ऐसे बनाऊँगा, चैलेंज अपने ऊपर रखूँगा कि मैं 30 डेज़ में कितना अपने को ग्रो कर पाता हूँ बॉडी को।
ऑडियो भी हो चुका है, अब चलते हैं घर। मेरा फ्रेंड आने वाला था बट वो आया नहीं, तो इसलिए मैंने सब कुछ अपने आप ही कर लिया अकेले। कल थोड़ा वर्कआउट बढ़ाएंगे और अभी ज़्यादा प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, जल्दी चलते हैं पानी पीते हैं। यार पानी पीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आ गया वो आ गया, अब आ रहा है इतनी पैदल, बहुत देर से कहाँ था इतनी देर से, मेरा वर्कआउट ही हो गया। तो अपना डिनर भी हो चुका था, इसके बाद मैंने वीडियो को एडिट भी कर दिया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं किया, दीदी आई थी एंड देन मैं गया था अपने वर्कआउट पे काफ़ी दिनों के बाद। और कल से तो मैं रूटीन में आने वाला हूँ, तो आप लोगों को सुबह पता लगेगा वो सब कुछ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गुड नाइट, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।